हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में कि आपने मुझे इस टॉपिक के लिए इतनी ज़्यादा कमेंट की है तो मैंने क्यों ना सोचा कि आज हम इस टॉपिक पर एक वीडियो बना ही ले। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि लेबर पेमेंट में कैसे काम लिया जाता है, चाहे इलेक्ट्रिक का हो या प्लम्बिंग का हो, वो हम काम लेबर पेमेंट में कैसे लेते हैं और हमें कैसे लेना चाहिए। तो अगर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहान खान और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो जंक्शन। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी और किसी आपके दोस्त तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा ये बढ़िया वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर जो भी साइट होती है हमारी, वहाँ पर क्या होता है कि हम जब काम कर लेते हैं, जैसे कि हमारा जो काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में क्या होता है, कुछ लोग वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा काम बताते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहते हैं, तो हमें उस काम के हम लेबर पेमेंट में भी पैसे ले सकते हैं, यानी कि उसके अलग से पैसे ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं पर लेबर पेमेंट में ही काम मिल रहा है तो आप उसके हिसाब से भी वहाँ पैसे ले सकते हैं, जैसे कि आप एक लेबर की जो पेमेंट होती है वो पर डे के हिसाब से ले सकते हैं, और आपका जो मेंटेनेंस होता है, जैसे कि आपकी मशीनें वगैरह या वहाँ पर यूज हो रही है, तो वहाँ पर आप उसका जो 20% 30% या 25% भी वहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि आपको जो भी आपका, जैसे कि 1000 रुपये की जो पर डे की एक लेबर पेमेंट होती है, वो अगर आपकी 1000 रुपये हो रही है तो वहाँ पर 30% अगर आप ले रहे हैं तो उसके आपको 300 रुपये एक्स्ट्रा लेना होगा। जैसे कि आपको वहाँ पर जो भी मशीनें हम यूज़ करते हैं, जो भी हम मेंटेनेंस करते हैं, जो भी हम आना जाना करते हैं, तो इन सभी को इंक्लूड रहेगा। जैसे कि आपकी जो 10000 रुपये वीकली पेमेंट हो रही है, यानी कि एक हफ्ते की अगर पेमेंट हो रही है लेबर पेमेंट, तो आपको वहाँ पर 3000 रुपये वहाँ पर ज़्यादा लेना होगा पार्टी से। तो ये 30% जो 25% 20% जो भी मैंने बताया है, ये है आपकी कॉन्ट्रैक्टरशिप, यानी कि जो आप ठेकेदारी कर रहे हैं उसके अलग से पैसे वहाँ पर पार्टी से लेना होगा, और उसके बाद में जो आपको लेबर पेमेंट रहेंगी वो अलग रहेंगी। वो आपको जो लेबर पेमेंट देगा वो आपको आपके लेबरों को पेमेंट करना है, और उसमें का जो 30% बचेगा वो आपका रहेगा, यानी कि आपकी इनकम रहेगी। तो लेबर पेमेंट पर काम लेने का एक ये भी तरीका है, या आप पार्टी से पहले ही बात कर सकते हैं कि अगर कितना भी काम हो आपको उसमें इतना अमाउंट एक अलग से देना होगा। जैसे कि 10 दिन 15 दिन अगर काम चलता है, वो पार्टी आपके लेबरों को पेमेंट कर रही है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, मशीनें आपकी यूज़ हो रही है, आपका आना जाना हो रहा है, आपकी देख रेख हो रही है काम पर, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो पेमेंट लेना होगा वो पार्टी से अलग से पहले ही एग्री कर लेना है, यानी कि पहले ही बोल देना है पार्टी को कि मेरा अमाउंट इतना रहेगा, इतने पेमेंट मुझे इनसे ज़्यादा हटकर एक्स्ट्रा देना होगा। तो आप ऐसे भी काम ले सकते हैं। और बात करते हैं हम यहाँ पर कि कोटेशन के, कोटेशन जो रहता है वो हमारा रनिंग फिट के हिसाब से भी हमारे चैनल के ऊपर आया हुआ है, और अगर आपको मटेरियल के साथ में देखना है तो विथ मटेरियल भी मैंने कोटेशन बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे वीडियो बने हुए हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटे से वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन बटन भी दबा लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगी और वो जानकारी आपको मिल पाएगी। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर देखना चाहते हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू।